वेरी जूसी है वो यार, ये भी बहुत सही लग रहा है एकदम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं दिखाऊंगा तरह तरह के कबाब, चिकन के, फिश का टिक्का एंड एक बहुत ही यूनिक कबाब है जो वीडियो में बाद में पता लगेगा आपको भी कौन सा है, और वीडियो के थंबनेल भी आपने शायद देख लिया हो। तो आज हम जाने वाले हैं मार्फा फूड्स पे। अगर आप गूगल की लोकेशन से आते हैं तो लोकेशन आपको वहाँ तक लेके आएगी। वहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर है और वहाँ तक वीडियो ये वाली लेके आएगी आपको, ठीक है। आइसक्रीम पार्लर है वहाँ पे, तो आइसक्रीम पार्लर से आ जाओ, आपको लेके चलते हैं मार्फा फूड्स पे। सबसे ज़्यादा जगमग प्लेस वही है यहाँ पे, तो लेट्स गो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आ गए मार्फा फूड्स, तो मार्फा फूड्स के अंदर आपको लेके चलते हैं। लाहौरी टिक्का बोल रहे भाई, ऐसा लाहौरी टिक्का खाते हैं और साथ में ये पैर पैर भी खा लेते हैं। मलाई टिक्का मिक्स लैटर मंगवाते हैं, बाकी मेन कोर्स देख ले क्या खाना है। तो ऑर्डर हमने दे दिया, अभी हम देखते हैं कि स्टार्टर्स की मेकिंग कैसे होती है। सो चलो किचन में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, जैसे खमीरी रोटी है, तो खमीरी रोटी के लिए हमें वो नहीं चाहिए होता कि कोयले का फ्लेवर हो या फिर चारकोल फ्लेवर हो। पर मैंने एक चीज नोटिस की भी बाहर इन्होंने जो खमीरी रोटी के लिए जो लगाया हुआ है तंदूर, वो है गैस वाला। इधर आप देख लो जो टिक्के पकाने के लिए या कबाब लगाने के लिए इन्होंने चारकोल वाला लगाया हुआ है तंदूर, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो अभी देखते हैं कि कबाब बनते कैसे हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी दैट। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ लाहौरी कबाब, क्योंकि चिकन थाइस वेरी जूसी हो यार, ये भी बहुत सही लग रहा है एकदम बढ़िया। Let's go to the sitting area. Restaurant में चलते हैं, चलो।
सामान आ गया है, पहले तो थंबनेल के लिए एक फोटो ले ले। तो अभी करते हैं टेस्टिंग शुरू, थक जाऊंगा टेस्टिंग करते करते, तो ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा आपको, बस बेसिक बेसिक सा बढ़िया सा बता दूंगा कैसा है। पहले ट्राई करते हैं फिश टिक्का जो सबसे पहले पड़ा मेरे पास, तो आप देख लो फिश कितनी बढ़िया से पकी हुई है अंदर से, एंड बहुत सही, एक बहुत ही डोमिनेटिंग टेस्ट है इसमें, और वो बहुत बढ़िया लग रहा है, कंपनसेट पूरी डिश को कर रहा है। अजवाइन है इसमें, अजवाइन बहुत बढ़िया लग रही है इसमें, एंड अभी ये हमारा फेवरेट मलाई टिक्का। चिकन ब्रेस्ट है, बहुत क्रीमी है, माय फेवरेट चिकन थाई का लाहौरी टिक्का। लाहौरी टिक्का पहली बार खाने जा रहा हूँ, तो देखते हैं। पीस बहुत बढ़िया से पका हुआ है, ये देख लो। बहुत बढ़िया मैरिनेशन, बहुत बढ़िया, ट्राई कर लो हरी टाइम। फिश कैसे लगे? एक चीज और, बहुत ज्यादा हमने जैसे खाया है और हमने उसमें देखा है मैरिनेशन से हट के थोड़ा टेस्ट ना थोड़ा बाहर से लगता है अंदर का, बट इसमें अंदर तक फ्लेवर गया। हाँ, पूरा अंदर तक फ्लेवर इंटैक्ट है, बहुत बढ़िया। ये तो ये बहुत बढ़िया है। एंड अभी आ जाते हैं जो क्या है, गिलाफी सीख कबाब। भैया कह रहे थे भी बाहर जो इन्होंने जो वेजिटेबल्स गई हैं उसकी वजह से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा, तो ये क्रीम में थोड़ा सा डुबा लेते हैं। एंड कैप्सिकम तो यार बहुत बढ़िया फ्लेवर दे रहा है इसमें, देख लो क्रीमी, फुल क्रीमी, बहुत टेंडर है सीख कबाब, मतलब माउथ मेल्टिंग जिसको हम कहते हैं वैसा है। अभी आ जाते हैं मेन चीज पे, जो कि है स्टफ्ड तंगड़ी कबाब। ये बहुत कम आपको देखने में मिलेगा पूरे दिल्ली में, अभी तक तो मैंने नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देखा है दिल्ली में। हमारे पंजाब में तो मिलता है एक दो जगह, पर ये देख लो इसमें कीमे की फिलिंग है, एंड बहुत बढ़िया जूसी लग रहा है, तो टेस्ट करते हैं इसे कैसा लग रहा है। मतलब यार चिकन लेग में जो थोड़ी सी जगह किसी को खाली दिख रही थी उसमें भी कुछ ना कुछ ठूस दिया, तो कीमा डाल दिया इन्होंने, कीमे का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है। वाह, ये कीमा थोड़ा सा खाता हूँ मैं, नाइस फ्लेवर, नाइस चाट फ्लेवर, एंड थोड़ा सा मैं मोटा मतलब फैट का फैन है तो क्रीम थोड़ी सी। सब ले लो नहीं तो खा लूंगा मैं, बहुत स्वाद है। भाई स्टार्टर्स तो सारे बहुत बढ़िया है यार, मज़ेदार, बहुत बढ़िया। रुमाली रोटी के साथ क्रीम, वाह है। मैं थोड़ा बाद में खाता हूँ, अभी खा लिया तो ये जो मेरे साथ ये पड़ी है ये मेरे से नहीं खा पाऊंगा मैं। तो निहारी, मटन निहारी की ग्रेवी में आज खाने जा रहे हैं हम चिकन की निहारी। सुना पहली बार है, खाने भी पहली बार लगा हूँ, देख लो यार कितनी रिच एंड कितनी बढ़िया स्मूथ ग्रेवी है। लो जी निहारी आ गई है, एंड निहारी तो मैं खमीरी के साथ खाऊंगा, खमीरी रोटी के साथ। निहारी रोटी में बटर, नान, नान है, नान के साथ खाऊंगा, तो नान के साथ
बटर लगाया हुआ बढ़िया। यार ये बहुत बढ़िया फ्लेवर दे रही है, कलौंजी जो लगाई हुई है इसके ऊपर। मटन का तो अपना ही टेस्ट होता है, बट ये चिकन बिहारी भी बुरी नहीं है, बढ़िया है। ये जो ऊपर से डाली है ना अदरक और हरी मिर्च, उसके साथ तो और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। रोटी का भी अपना टेस्ट है, नान का, नान ना खमीर है नान को, और नान मतलब रबरी हो जाता है, क्या कहते हैं खमीर लगने के बाद या थोड़े देर पड़ा रहे तो। पर यार ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, प्लस नान का अपना खुद का फ्लेवर है थोड़ा, वो कलौंजी की वजह से वो भी है, लिटिल बिट स्वीटनेस भी है। तो अभी क्या रहेगा ये भैया? कोरमा है ना, चिकन कोरमा। ये लो ये आ गया हमारा चिकन कोरमा। कोरमा तो चम्मच से थोड़ी ग्रेवी लूंगा मैं, कोरमा रुमाली रोटी के साथ बेस्ट लगता है, तो थोड़ी ग्रेवी। टैंगी फ्लेवर है क्योंकि इसमें दही डाली होती है, तो टैंगी फ्लेवर होना जरूरी है जो इसमें है, काफ़ी फ्लेवरफुल है। मेरे ख्याल से रोज़ या केवड़ा वाटर डाला हुआ है, उसका भी काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। बाकी ओवरऑल इट्स ऑसम। एंड बिरयानी टेस्ट कर लेते हैं यार, बिरयानी के बारे में तो मैं भूल ही गया, बिरयानी बहुत जगह खाता हूँ मैं, ऑलमोस्ट एक दो दिन छोड़ के हमारे कॉलेज के सामने भी मिलती है, तो बिरयानी एक वो टेस्ट चढ़ा हुआ है, वो पे देखते हैं उससे बढ़िया है कि नहीं। बाकी दिल्ली में बहुत जगह बिरयानी खाई है, यहाँ पे कभी नहीं खाई, तो देखते हैं कि कैसी है। भाई कॉलेज के सामने वाली तो बहुत बढ़िया है भाई, ये देख लो ब्रेस्ट पीस है, कुक करने से ही है। बर्फी आपने खाई होगी, बर्फी ज़्यादा पीसा है ये, बर्फी जितना ही चबाना पड़ रहा है, रबरी नहीं है बिल्कुल भी। और जो बिरयानी का टेस्ट है, इट इज़ वेरी गुड देन द अदर बिरयानीज आई हैव टेस्टेड इन दिल्ली सो फार। तो अभी रूपा मैं कैमरा के पीछे, खाने का मन उसका भी हो रहा है, हमने भी ये ख़त्म करना है, तो अभी ये ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपको वीडियो के एंडिंग में। तो आप वीडियो मत देखिए सिर्फ, ठीक है, 25 जनों की यहाँ पे सिटिंग है, जितने मर्जी जने ले हो, 25 जने आप लेके यहाँ पे आ सकते हो, और दोस्तों को लेके आइए, फैमिली को लेके आइए, बढ़िया खाना है यार, मैं तो रेकमेंड करूँगा यहीं आइए, लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं भाई। प्राइसिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी जेन्युइन है। हाँ प्राइसिंग जो भी है, जितनी भी आइटम मैंने खाई है, तो प्राइसिंग आपको नीचे मैंने मेंशन कर ही दी है, बाकी मेन्यू की फ़ोटो भी आपको मैंने वीडियो में पहले डाल दी है, तो चेकआउट द मेन्यू। एंड 2 किलोमीटर तक डिलीवरी भी है इनकी, जो कि फ्री है, ओवर 250 प्लस ऑर्डर, 2 किलोमीटर तक डिलीवरी फ्री है, बाकी थोड़ा दूर है तो आई थिंक सो डिलीवर हो सकता है, बाकी देखते हैं यार। कैमरा साइड करो, खाने का स्टॉक कम लेगा, कह रहा है फाइल कहाँ से आया आपने, अपना इंटरव्यू थोड़ा अंकल दे दो, हमारी यूनिक आइटम है और बहुत फेमस है, बहुत चलती है, तो जब हमारे रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बना रहे थे, तब भी हमारे शेफ साहब जो हैं, असल में ताज होटल के हैं वो शेफ साहब, ठीक है, तो ये आइडिया उनका था, तो उन्होंने हमसे कहा करने का कि हम ये नई आइटम रखना चाह रहे हैं, तो हमने वही आइटम में रखी जो जितनी हमारी मार्केट है ना, हमने वहाँ से अलग हट के आइटम में रखी है। बिल्कुल, इसी वजह से माशाल्लाह हमारे 2 साल हुआ है रेस्टोरेंट को, और इसी वजह लोग इसीलिए आते हैं हमारे पास, क्योंकि मैंने देखा अभी ये जो नॉर्मल सीख कबाब हो गया, मटन निहारी बहुत जगह खाई, आज मैंने चिकन निहारी खाई, आज मैंने गिलाफी कबाब खाया, नॉर्मल सीख कबाब हो गया, नॉर्मल तकली सब जगह मिलती है, पर लाहौरी टिक्का और ये स्टफ, मतलब ये थी सोच किसी की, अंकल जी बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया सोच थी। 2 बार तो मैं आ गया हूँ, और मेरे ख्याल से इस वीडियो डलने के पहले मैं 2 बार और आ जाऊँगा,
और वीडियो डालने के बाद एक दो को साथ में भी ले आऊंगा, तो देखते हैं आप ही रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली तो अंकल पंजाब में है जब आएंगे। वैसे है मेरे कॉलेज के दोस्त, उनके साथ आऊँगा, ये भी कॉलेज के दोस्त हैं, तो आऊँगा मैं उनके साथ। तो ये थी स्टफ तंगड़ी कबाब की कहानी, बाकी आपने वीडियो देख ली। लोकेशन पिन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लोकेशन समझा भी दी है, और अगर आपको यहाँ पे आना है तो कम फ्रेंड्स फैमिली पार्टी कर सकते हो यहाँ पे, किट्टी पार्टी बर्थडे पार्टी एनीथिंग। 25 जनों की सिटिंग है, तो एंजॉय करिए यहाँ पे आके फूड को, कबाब्स इन दिल्ली। तो अभी के लिए इतना ही, सो बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।